ये सोनक जी महाराज जब से सृष्टि बनी तब से ऋषियों की श्रृंखलाओं में ग्रत समद ऋषि के ये पुत्र हैं सोनक जी महाराज। और संस्कृत के व्याकरण के ऋग्वेद की प्रतिसाख्य के ब्रह्म देवता नामक ग्रंथ के चरण व्यूह नाम के ग्रंथ के और ऋग्वेद की छह अनुक्रमणिकाओं के ये रचयिता है। कात्यायन कात्यायन नाम के परम शिष्य के ये परम गुरुदेव हैं और इन्होंने ही घोर तप किया। सोनक जी ने घोर तपस्या करी और उस तपस्या को देखकर अनेक ऋषि मुनियों ने आकर इनसे ज्ञान लिया आशीर्वाद लिया और आते आते इन्हीं सोनक जी के 88,000 ऋषि शिष्य नहीं परम शिष्य बन गए। 88,000 ऋषियों ने कहा महाराज हमारी इच्छा है ये द्वापर युग में जो अनेक प्रकार का युद्ध भावना में जो अपराध हुआ है पाप हुआ है हम इस सब पाप की मुक्ति के लिए आगे के जीवन की शक्ति के लिए और ईश्वर की भक्ति के लिए ऐसा कोई अनुष्ठान कीजिए। सोनक जी महाराज ने जब 88,000 ऋषियों के भविष्य की भावना जीवों के सुख में की कामना कल्याण में की भावना को देख करके सोनक जी बड़े प्रसन्न हुए बोले काम करते हैं हम सभी मिलकर के 1,000 वर्ष तक विशाल यज्ञ करते हैं। सोनक जी के साथ में 88,000 ऋषियों ने संकल्प ले लिया लेकिन बैठकर विचार किया कि यज्ञ का संकल्प तो हो गया पर यज्ञ कौन से स्थान पर करना चाहिए। जब ये बात सोनक जी ने ऋषियों से कही तो बोले गुरुदेव इसका रास्ता भी तो आप ही बताएंगे मूर्त तो पंचांग में देख लिया जाएगा लेकिन स्थान कहां से देखें पूरी पृथ्वी पर घूमे पर उनको कहीं पर कोई समझ में नहीं आया। तब सोनक जी योगी थे 88,000 ऋषि भी योगी थे 88,000 ऋषि अपने योग बल के द्वारा ब्रह्मलोक में पहुंच गए। कौन से लोक में पहुंचे जाकर ब्रह्मा की स्तुति करी ब्रह्मा प्रसन्न हो गए। कहो ऋषियों आपको किस चीज की आवश्यकता है जरा बताओ क्यों चिंतातुर है। तब सोनक जी ने ब्रह्मा जी से कहा महाराज हमारी हृदय की इच्छा है कि हम इस द्वापर युग के रहते हुए और कलयुग के भक्तों के लिए हम ऐसा यज्ञ करना चाहते हैं जिसमें सबका कल्याण हो सबका उत्थान हो सभी को ज्ञान हो भान हो जीवों के कल्याण के लिए 1,000 वर्ष तक रोजाना नियम से हम यज्ञ करना चाहते हैं। मुहूर्त भी हमने निकाल लिया है
सामग्री भी हम तैयार कर लेंगे और यज्ञ करने की विधि तो मुझे ज्ञान है, संतों को भी ज्ञान है, पर केवल एक ही शंका का समाधान नहीं, जिस समाधान को आप पूरा कर सकते हैं कि हम यज्ञ करें तो कौन से स्थान पे यज्ञ करें। ब्रह्मा ने शौनक जी की बात को सुनकर के बहुत प्रसन्न होकर कहने लगे, हे मुनिराज, हे ऋषिवर, आज आपने परोपकार की भावना से इतना कठोर घोर संकल्प किया, मैं आपका सहयोग अवश्य करूंगा। तभी ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु का ध्यान किया और जैसे ही ध्यान किया तो एक चक्र प्रकट हो गया। ब्रह्मा ने शौनक ऋषियों से कहा, ऐ शौनक जी महाराज, तुम अपने 88,000 ऋषियों के साथ में आए हो, कौन से पृथ्वी के भूमि पर कौन से स्थान पर तुम्हें यज्ञ करने पर उस पृथ्वी लोक के प्राणियों का कल्याण हो सकेगा और निर्विघ्नता से तुम्हारा यज्ञ संपूर्ण हो सकेगा, वो स्थान प्राप्त करने के लिए मैं तुम्हें ये चक्र देता हूं, तुम इस चक्र को ले जाओ, पृथ्वी पर ये चक्र चलता रहेगा और चलते 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 जहां इसकी एक निमिष गिर जाए, निमिष मानी बहुत छोटा सा कण, सबसे छोटे कण को निमिष कहते हैं, हैं? इसलिए छोटे से उस निमिष के जहां गिर जाएगा ये चक्र उसी समय भूमि में समा जाएगा, बस उसी स्थान पर तुम यज्ञ करना प्रारंभ कर देना और 1,000 वर्ष तक तुम रोज प्रतिदिन नियम से यज्ञ का कार्य कर लेना। महाराज कहते हैं कि उसी समय उस यज्ञ में यज्ञ करने के भावना से शौनक आदि 88,000 ऋषि उस चक्र के पीछे पीछे चलते रहे। कहते हजारों वर्ष लग गए, वो चक्र घूमता रहा और घूमते घूमते जैसे ही वो चक्र गिरा, उस चक्र के एक जरा सा निमिष कण गिरते ही वो चक्र लुप्त हो गया, लेकिन जिस स्थान पे वो चक्र गिरा था वो घना जंगल था, वह पक्षियों के अलावा पशुओं के अलावा कोई मनुष्य जाति नहीं रहते थे। घनघोर जंगल में जैसे ही निमिष गिरा तो तदवनम तेन विख्यातम, जिस जंगल में वो निमिष गिरा उसी जंगल में ऋषियों ने देखा कि जहां पर वो कण गिरा है उसी के पास में पानी से भरा एक तालाब भी है और उस तालाब के किनारे पर एक बहुत विशाल बरगद का वृक्ष भी है। बरगद जानते हो ना, बड़ का पेड़, विशाल बरगद का वृक्ष है। ऋषि सभी वहीं पर रुक गए और महाराज सबसे पहले उस स्थान का नामकरण संस्कार किया और हमारे धर्म शास्त्रों में
जंगल को आरण्य कहते हैं तो नैमिष और आरण्य जब दोनों मिल गए तो ऋषियों ने उस स्थान का नाम नैमिषारण्य रख दिया।